जद्दा एयरपोर्ट पर डिपार्चर में आ गए हैं। पहले फ़्लाइट लैंड की अराइवल से होके अब डिपार्चर साइड में आ गए हैं दूसरी फ़्लाइट के लिए। तो अभी यहाँ से हमारी बहरीन के लिए फ़्लाइट है, तो देखते हैं फ़्लाइट बोर्ड में कौन से गेट पर हमने जाना है बोर्डिंग के लिए दोबारा। गेट ए 09 भी ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, तो चलते हैं गेट्स की तरफ। ये है जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत बना हुआ है। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं फिर दोबारा। कितनी देर हो गई है एलिवेटरों पर चलते हुए, काफ़ी सारे एलिवेटर बदल लिए हैं, काफ़ी सारे डजन्स गेट नंबर गुजार दिए हैं। अभी हमारा गेट नंबर A09B नहीं आया, तो ढूंढ रहे हैं, लग रहा है आगे 1 से 10 तक की सीरीज आगे है। तो देखें, ये पीछे भी देखें कितना बड़ा एयरपोर्ट है, जहाँ तक नज़र जाती है जहाँ तक, जद्दा एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट है, और आगे देखें कहाँ तक है, गेट्स ही गेट्स हैं। जी खुदा खुदा करके हमारा गेट नंबर A09B मिल गया, जहाँ से फ़्लाइट होगी जद्दा सऊदी अरेबिया से बहरीन के लिए। तो अभी यहीं पर फिर बैठते हैं, और अभी फ़्लाइट में कुछ टाइम बाकी है, 1 घंटा और कुछ मिनट, तो जब तक अपना पूरा गेट नंबर के नज़दीक होकर यहाँ पर रेडी होकर बैठते हैं। तो जद्दा शहर सऊदी अरेबिया से बहरीन जाने वाली फ़्लाइट में बैठ गए हैं। सऊदी एयरलाइंस की ये फ़्लाइट है, 2 घंटे और 20 मिनट की कुछ फ़्लाइट है। तो इसके बाद हमारा फ़ाइनल डेस्टिनेशन आने वाला है बहरीन। तो अभी अपनी सीट पर विराजमान हो गए हैं, प्लेन थोड़ी देर में टेक ऑफ करेगा।
फ्लाइट बहरीन एयरपोर्ट पे लैंड हो गई है और हम जहाज़ से निकल के जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो ये है जी बहरीन का न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बैग मिल गया छोटा और एक छोटा और एक बड़ा बैग का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी बेल्ट पे घूम के आएगा। गाड़ी अपनी आ गई है और बहरीन न्यू एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हम और अब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी मलेशिया की सीरीज़ कंप्लीट हुई, पूरा ट्रिप हो गया मलेशिया का, एक काफ़ी शानदार ट्रिप था। मलेशिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। तो गाइस वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आइकॉन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।